Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. Today I am back with a very tasty cold coffee recipe. तो व्यूवर्स, जिस तरह से हॉट कॉफ़ी बहुत ही मज़े की होती है, ये कोल्ड कॉफ़ी उससे ज़्यादा मज़े की होती है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी में से एक है। कैपुचिनो कॉफ़ी की तरह ये भी बिल्कुल बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और ये दो तीन इंग्रेडिएंट से ही मिलके बनेगी और ये बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत जल्दी से आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, द इंग्रेडिएंट वी नीड आर ओनली थ्री। फर्स्ट वी नीड वनीला आइसक्रीम, we need coffee powder, I am using here Nescafe coffee powder and 2 glass of milk. इसके अलावा जब गर्मियाँ होती हैं तो इसमें लोग आइस क्यूब्स भी डालते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, अभी तो बिल्कुल गर्मी का स्टार्ट है, अभी सर्दियाँ ही ऑफ हुई हैं और मेरा तो गला भी बहुत ख़राब है, इसलिए मैं आइस क्यूब्स यूज़ नहीं कर रही हूँ और ये मेरी कज़न की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, इसलिए इसमें मैं आइस क्यूब्स यूज़ नहीं कर रही। अगर आपको आइस क्यूब्स के बगैर नहीं पसंद तो आप आइस क्यूब डाल सकते हैं। सो व्यूवर्स, लेट्स मूव टू मेक द टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी। सो व्यूवर्स, द फर्स्ट स्टेप इज कि हमने एक जग में 2 ग्लास मिल्क लेना है। हमारे पास आइसक्रीम भी मौजूद है और हमने उसमें कॉफ़ी ऐड करनी है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो आप पूरा एक चम्मच डाल सकते हैं और आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए तो हाफ डाल सकते हैं आप चम्मच। मैंने स्ट्रॉन्ग पीनी है तो मैं पूरा स्पून ही डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, इसके बाद कॉफ़ी को ऐड करने के बाद हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। आपको जितनी ज़्यादा शुगर चाहिए होती है आप उतनी ही डाल सकते हैं। मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, बस उतनी काफ़ी है मेरे लिए। तो जिनको ज़्यादा शुगर ही पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिनको नहीं ज़्यादा पसंद है वो कम डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बाउल्स में आइसक्रीम है। हमने एक बाउल वाली आइसक्रीम को जग में ऐड करना है और दूसरी हमने अपनी लास्ट फाइनल टच के लिए, गार्निशिंग के लिए रखनी है, जो हम डायरेक्ट लास्ट में ऐड करेंगे। अब हमने इस मिक्सचर को मैश करना है जग में, जिस तरीके से हम शेक वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको मैश करना है। हमने अपनी कॉफ़ी का मिक्सचर मैश कर लिया है, अब हम इसको सर्व करने के लिए ग्लास में डालेंगे। सर्विंग का तरीका यह है कि जो हमने एक बाउल में आइसक्रीम रखी थी वो सबसे पहले हमने बाउल में ऐड करनी है, ग्लास में ऐड करनी है जिसमें हमने अपनी कॉफ़ी सर्व करनी है। इसको एक ग्लास को पीने से ऐसे लगता है कि बंदे ने अच्छा खासा हैवी खाना खा के एक टाइम का मील स्किप करके हम ये पी सकते हैं। ये हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी। आइसक्रीम हमने ऐड कर ली, इसके बाद हम बीच में कॉफ़ी ऐड करेंगे। ये अभी तो मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, मैं दोबारा से इस कॉफ़ी की रेसिपी अपलोड करूँगी विद द हाई स्टाइल विद द रॉयल स्टाइल। दिखने में इतनी मज़े की लग रही है, मैं तो बस इसको पीने का इंतज़ार कर रही हूँ। व्यूअर, ये आप जग में जो झाग देख सकते हैं ये आपने चम्मच की मदद से ऐसे ही ग्लास में डालनी है ताकि ये इसकी लुक अच्छी लगे, ये अट्रैक्ट करती है और एपेटाइट बढ़ा देती है कि मिल जाए बस पीने को। इसको देखते हैं,
फेवरेट वाले ग्लास से और फेवरेट वाले ग्लास में हमेशा दूध की बनी चीजें मैं पीती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है हमारी कोल्ड कॉफ़ी। ये मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से बनाई है, लेकिन इसको बनाने के और भी बहुत अच्छे तरीके हैं। इसमें ये हम ऐड कर सकते हैं कि हम ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट सिरप के साथ, और देन इसकी चॉकलेट चिप्स के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, या कोई भी नट्स अगर आपको पसंद है तो आप इसकी ऊपर वाली लेयर पर आप नट्स की टॉपिंग कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी मैंने फर्स्ट टाइम डाली है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मैं आपको हर एक चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बताती जाऊंगी डिफरेंट तरीके से, जिससे नया टेस्ट और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आप इंजॉय कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का वक्त पर पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।